ये है mahindraguru.com द ब्रह्मास फॉर सक्सेस और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे हम क्रैक करें आने वाला UIIC एग्जामिनेशन। उसके लिए आज जो हमारा वीडियो है वो है एक इंट्रोडक्शन जो हम देंगे UIIC पर। चल देखते हैं सबसे पहले कि पहले स्लाइड में क्या दिया हुआ है। अगर बात करें इसके मुख्यालय की तो मुख्यालय है चेन्नई तमिलनाडु इंडिया में। इसकी जो स्थापना हुई वो भी 18 फरवरी 1938 और जो इसका टैगलाइन है वो है एट यूनाइटेड इंडिया इट्स ऑलवेज यू बिफोर। अगर हम अहम बात करें राष्ट्रीयकरण की इस इंश्योरेंस कंपनी की तो वो हुआ 1972 में। और अगर इसकी पूरी कहानी की बात करें तो यह एक अग्रणी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसके पास 30 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है राष्ट्रीयकरण के बाद भी, वो भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस में, गैर जीवन बीमा में। अगर यहाँ बात करें तो वर्तमान में करीब 22 कंपनियों को मर्ज करके इसे बनाया गया जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। अगर मर्जर की बात करें खासतौर पर तो 12 भारतीय बीमा कंपनियां, 4 सरकारी इंश्योरेंस सोसाइटीज और जो इंडियन आर्म था 5 फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज का, उनको मिलाकर और जो सदर रीजन का जनरल इंश्योरेंस ऑपरेशन था LIC का मिलाकर क्या बना सर आपका UIIC, तो एक बहुत बड़ा संस्थान बना जिसका नाम था यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ अगर और आगे जाए और बात करें इम्प्लॉय कवरेज की तो करीब 18,300 एम्प्लॉयज हैं इसके अंदर और करीब देश भर में 1340 ऑफिसेज हैं जो कवर करते हैं बीमा के रूप में करीब 1 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स को। वर्तमान में जो इसके चेयरमैन और MD हैं वो हैं श्री मिलिंद एकरात। और इसके 4 मुख्य मिशंस हैं। पहला है कि बीमा सुरक्षा प्रदान करना सबको, कस्टमर की जो एक सहमति है उसका जो सेटिस्फैक्शन है उसको प्रोवाइड करना, और बुनियादी जो जो मानदंड है, जो प्रिंसिपल्स हैं व्यापार करने के, उस पर काम करना, और आखिरी में देश भर के अंदर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना। तो ये 4 मकसद हैं इस संस्थान के। अगर आगे बात करें और ये जो एक पेज हमने दिया है, ये पेज बेसिक डिटेल तो नहीं पर जानकारी है कि कितने समय में आपको आपका एक्सेप्टेंस हो जाता है। 7 दिन के अंदर फाइनल इंश्योरेंस की बात होती है, 3 दिन के अंदर जनरल इंश्योरेंस की बात होती है। यहाँ पर एक पूरा चार्ट दिया हमने, इसको हम अभी व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको एक टेस्ट के फॉर्म में आपको प्रदान करेंगे आज के दिन ही, जिसको आप पढ़ सकते हैं ताकि जब उस पर बात करें तब हम इस पर आगे आके आपसे चर्चा करें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और चीजें क्या दी हुई हैं। यहाँ दिया हुआ है रेटिंग्स। रेटिंग की बात करें तो इकरा रेटिंग ने दी है इसको IAAA, AM Best ने दिया है इसको B++। अवार्ड्स की बात कर लें तो इसे 3 मुख्य तौर पर अवार्ड्स मिले हैं। पहला है ऑलराउंड परफॉर्मर ऑफ द ईयर जो दिया है दलाल स्ट्रीट इंश्योरेंस जर्नल ने। अगर आगे बात करें एक और अवार्ड की तो ई बिजनेस लीडर, बैंक इंश्योरेंस लीडर एंड बेस्ट नॉन अर्बन कवरेज अवार्ड भी दिए हैं इसे इंडियन इंश्योरेंस अवार्ड जब हुए 2014 में। और आखिरी में जो अवार्ड मिला वो है रनर अप का, वो मिला इनको बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर में आउटलुक मनी अवार्ड 2014 के अंदर। अंत में अगर बात करें जो डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफर करती है ये कंपनी, वो है मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल, हाउस होल्डर्स, शॉपकीपर्स, लाइबिलिटी, माइक्रो इंश्योरेंस, क्रेडिट इंश्योरेंस, मिसलेनियस, फायर, मरीन और इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस। तो ये था जो कैटेगरीज डिफरेंट हैं। यहाँ जो हमारा एक मकसद है वो जानने का ये है कि यह जो एक अहम स्लाइड है जिसमें हमने एक बेसिक जानकारी दी है, इसको जरूर आप इस वीडियो में पढ़ें, समझें, और जब टेक्स्ट में हम इसे प्रोवाइड करें आज तो उसको भी आप डाउनलोड करके अपने पास रखें ताकि जो पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन का वह आपको क्लियर हो जाए। इसी मंशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो हमारा ये वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो को संक्षेप में करने की कोशिश की है ताकि जो बेसिक जानकारी है वह आपको मिले जो हमने पहले 2 स्लाइड में आपको प्रदान की है। हमारा एक मेन मकसद है कि कोई भी ऐसी गलती या कोई भी ऐसा हमने काम किया हो जिससे आपको अच्छा लगा या फिर आपको कोई बात बुरी लगी उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि अगली बार हम सुधार सके या फिर आपकी उस तारीफ से हमें और हौसला बढ़े और हम और बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।